देखिए गलत है, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का संविधान सभी पद को व्याख्या किया है कि कौन किसका अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। तो ईडी भी एक संवैधानिक संस्था है और ईडी को इस प्रकार से चुनौती देना, चैलेंज करना, धमकाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हाईकोर्ट में भी मामले चलते हैं, आपका लोअर कोर्ट में भी चलते हैं, तो वहाँ भी जरा एक बार धमकी देकर देखिए ना। वहाँ भी धमकी दीजिए कि ठीक से न्याय नहीं किया जाएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या होगा। तो बात यही है ना कि आज देश के अंदर सारे ऐसे लोग ईडी को भी गाली देंगे, इनकम टैक्स को भी गाली देंगे, सीबीआई को भी गाली देंगे, जैसे ये सारे के सारे धर्मात्मा के अवतार हैं। बात ऐसा है कि ये संवैधानिक संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। हाँ, ये जरूर किया है कि इनको एक्टिव किया है, सक्रिय किया है। अब इनकी सक्रियता देश के भ्रष्टाचारियों को पसंद नहीं आ रही है, यही बात है ना। अब यही तो देखना प्रशासन का काम है, लेकिन प्रशासन तो सरकार का तलवा चाटने में व्यस्त है। यदि आज दूसरा कोई करता तो आज प्रशासन के लोग अपना पुरुषार्थ दिखाने लगता, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री और उनके लोगों द्वारा ये किया जा रहा तो पता नहीं ये प्रशासन का पुरुषार्थ कहाँ गायब हो गया है। तो ये प्रशासन के लोगों पर एक सवालिया निशान है। मैं इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।